अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ के सुंबल विद पेट्स एंड अस। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं फ्रीजियन नस्ल की गाय। एग्जॉटिक ब्रीड है ये, बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। इनकी ख़ास खसूसियत ये होती है कि एक तो इनकी ब्रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इवन के ये 20-20, 30-30 लीटर दूध पर डे आप इनसे हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस ब्रीड के। एक तो ये है कि गरीब आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता इसे पालना, क्योंकि इसकी जो खुराक या फीड रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कि ये जो हमारा पाकिस्तान का और ख़ासतौर से सदरन पंजाब का इन्वायरनमेंट है वो उसके लिए कंपेटिबल नहीं है, क्योंकि इसे लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और जनूबी पंजाब का टेम्परेचर तो सम टाइम 50+ भी चला जाता है। तो ये हैं इसके ड्रॉबैक। बाकी इसकी खसूसियत मैंने पहले आपको बता दी थी। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें जो टिक्स का अटैक है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो बाकी फीड रिक्वायरमेंट अगर आप लोग इसकी पूरी कर सकते हैं तो ये मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आला नस्ल है। आप इसे पालिए और इसका दूध बेचिए तो बहुत ज़बरदस्त आपको अर्निंग होगी। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आप खल, चोकर और वनडे से इसकी एक बैलेंस्ड डाइट जो होती है उससे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो बहुत साथ साथ आप माहौल को भी एंजॉय कीजिए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट और खूबसूरत माहौल। साथ साथ बकरियां भी हैं, कुछ दूसरी गायें भी हैं, इसी नस्ल की हैं और देसी नस्ल की भी। तो ये देखिए, साथ में बच्चे भी खेलते हुए और हमारी तरफ देखते हुए कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए, साथ में किड्स हैं बकरियों के, बहुत ही खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते हुए। ये देखिए दोस्तों, वेरी ब्यूटीफुल क्यूट किड्स ऑफ गोट्स। साथ में बकरियां भी हैं। ये देखिए, टेडी नस्ल की बकरी और ये इसकी वालदा मोहतरमा। फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।